दिवाली के त्योहार को देखते हुए और बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली सरकार ने राजधानी में पटाखों को जलाने, खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद पटाखों को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष भी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी सवालों का जवाब दे दिया है, पटाखों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैन पटाखों का निर्माण और इस्तेमाल किसी भी हाल में ना होने दिया जाए। उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में निर्देश दिया है, कहा है कि बैन पटाखों से संबंधित आदेश पर सख्ती से पालन हो। अगर कोई राज्य इसमें चूक करता है तो उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश पारित किए और कहा है कि लोक हित में पटाखों का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर पटाखों का विपरीत असर हो रहा है। राज्यों और राज्यों की एजेंसी की ड्यूटी है कि वे कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराएं। किसी अथॉरिटी को इसकी इजाजत नहीं है कि वे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होने दें। जो पटाखे बैन हैं, उसे त्योहार के नाम पर जलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर होता है। लोगों के स्वास्थ्य को अनदेखा कर बैन पटाखों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि हम साफ करना चाहते हैं कि हर तरह के पटाखों पर बैन नहीं है। जो पटाखे लोगों को, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर असर डालते हैं, वैसे पटाखे बैन हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट के अनुसार ग्रीन पटाखे ही बनाए, बेचे और जलाए जा सकते हैं। उल्लंघन की स्थिति में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, जिले के एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी जैसे अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह माना जाएगा। गौरतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार ने जिन पटाखों पर बैन लगाई है, वे प्रतिबंधित ही रहेंगे। उन्हें खरीदने, बेचने और जलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी।